बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने आज जनता से मन की बात की। इस दौरान उन्होंने जिला ऊना में हो रहे कार्यों और आने वाले समय में क्या कार्य होंगे उसके बारे में विस्तृत से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पुरानी यादों को भी ताजा किया और जनता के लिए किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। यूनिवर्सिटी में कॉलेज में इलेक्शन बेंच में कहीं एजुकेशन सेमिनार्स में मिलते रहे हैं। तो हमने बातचीत की ऊना में मेरा मेडिकल कॉलेज की इच्छा थी कि मेडिकल कॉलेज मेरे जिले के लड़के लड़कियों को MBBS करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और पिछली बार जब धूमल जी ने मुझे लगता था कि हम लोग शिमला में MA करने गए थे उस जमाने में, आज तो कुछ नहीं है खर्चा, लेकिन उस जमाने में हमें कितनी दिक्कत आती थी हॉस्टल के रोटी खाने का पैसा देने की आने जाने का किराया देने। हमने पिछले बार इस ऊना कॉलेज के अंदर PG क्लासे चलाई और एकमात्र PG कॉलेज था हिमाचल प्रदेश का जिसके अंदर MCA और MBA सिर्फ एकमात्र ऊना कॉलेज है शिमला यूनिवर्सिटी के पास। उस समय शायद हरियर में ना किसी को MCA MBA जाना आ सकता है, लेकिन मेरे मित्र उस समय वाइस चांसलर थे इनके शारदा जी जो हमारे सनोवर से है और हमारे अन्य टीचर थे, मैंने उनसे बातचीत की कि ऊना के लोगों को 240 किलोमीटर से लाना पड़ता है। हमने MBA क्लासेस लाए और 12 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाकर के नए भवन बनाकर के कॉलेज होगी। इस बार हम लोग कोशिश कर रहे होंगे कि ऊना, दो दिन पहले आपने पढ़ा होगा जयराम ठाकुर जी ने अपने जिला में क्लस्टर यूनिवर्सिटी दी है मंडी में, क्योंकि जयराम जी उस यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। तो मैंने उनसे बातचीत की, मैंने अखबार में पढ़ा, मैंने भाई साहब आप परसों जा रहे हैं तो ऊना के बारे में सोचा कुछ, मंडी जा रहे हैं तो ऊना भी आना ना हमें दिसंबर में, तो क्या करना है। जो BJ 4 2016 को जगतपुरा नड्डा ने ऊना में डिक्लेयर किया था BJ सेटेलाइट हॉस्पिटल, हम लोग सवा साल गवर्नमेंट से बात करते रहे, जमीन दे दो, कागज बना दो, सेंट्रल को चिट्ठियां जाती रही कि जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट देखे, उसका खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देखे। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 500 करोड़ का हॉस्पिटल दे रही है और हम लोग उसके ऊपर 5 करोड़ रुपए भी खर्च होते आ रहे हैं। जब 500 बेड का हॉस्पिटल ऊना में आ जाएगा, 124 डॉक्टर होंगे, 1370 का पैरा मेडिकल स्टाफ होगा, लगभग 1500 कर्मचारी उस हॉस्पिटल के अंदर आएंगे और 500 बेडों के आप मान के चलो 2,500 शहर के अंदर आएंगे, तो जहाँ जो बिजनेस चल रहा है इसको 4-5 लग जाएंगे और हमारा बिजनेस आगे बढ़ जाएंगे शहर का, इस गांवों का, हमारी जमीन का मूल्य बढ़ जाएगा। लेकिन उस समय नहीं हुआ, हमने अभी बातचीत की, हम सब लोगों के लिए खुशी का विषय, पिछले कल ही PGI के नाम पर हम लोगों ने मलाहत गांव में 450 किलो जमीन का इंतकाल कर दिया बिजनेस का। और अभी जब प्रकाश नड्डा जी जो हमारे बड़े भाई की तरह ही है, क्योंकि हमारे से 2 क्लास से आगे होते थे, हम लोग MA करते थे, JLL भी करते थे, हमारी यूनिवर्सिटी में आते थे जब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, उनसे बातचीत करके हम लोगों ने PGI का सेटेलाइट हॉस्पिटल लिया है। और हमारा सौभाग्य है कि आज ऊना में PGI के 2 डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर बैठ गए हैं और 4 डॉक्टर और आएंगे 6 महीने के अंदर, 6 डॉक्टर PGI के ऊना के अस्पताल में उठाएंगे ला करके ताकि लोगों का इलाज हो। और ऊना हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों ने डायलिसिस की व्यवस्था शुरू की है, किसी की कहने खराब हो जाती थी, लोग बेचारे 2,000 की गाड़ी लेके चंडीगढ़ जाते थे, 4 मरीज के साथ आदमी जाते थे, 5,000 रुपया खर्चा आ जाता था। हम लोगों ने 2 महीने पहले अल्लाह ठाकुर जी आए थे यहाँ पर, वीरेंद्र कंवर जी अवान जी अंकटे, हम लोगों ने नड्डा जी ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से 6 बेड डायलिसिस के वहां पर लगवाए हैं और आज ऊना के लोगों को किडनी का डायलिसिस कराने के लिए लुधियाना BMC CMC नहीं जाना पड़ता, PGI नहीं जाना पड़ता, ऊना के अंदर 6 महीने के अंदर हम लोगों ने। और हमारे एरिया के देखो, क्योंकि ऊना हॉस्पिटल मेरे को जानकारी है पूरी के IEMC शिमला और टंडन मेडिकल कॉलेज के बाद सबसे ज्यादा OPD हिमाचल प्रदेश में कही है, तो ऊना मेडिकल ऊना हॉस्पिटल में कहता है। हम लोगों ने विषय रखा जगतपुरा नड्डा इसे के जहाँ मदर चाइल्ड हॉस्पिटल अलग से होना चाहिए, माता और बच्चों के लिए अलग से हॉस्पिटल हम चाहते हैं, अलग से ही हम डॉक्टर चाहते हैं। क्योंकि मैंने एक दो घटनाएं ऐसी देखी है कि ऐसा डिलीवरी केस हुआ, नौजवान बहनों को बाप अपनी जिंदगी से हाथ होना पड़ा, बच्चा भी चला गया, बहू भी चली गई, घर वालों का क्या हाल हुआ आप लोग कल्पना कर सकते। जब जब से बेटा भेजा तो किसी का रोपड़ में थूकी, किसी के पराली में थूकी, कोई पहुंच गई बेचारी सुभाग्य से तो बच्चा चला गया, लेकिन खुद बच गई, या खुद चली गई बच्चा बच गया।
हमने नड्डा जी से बातचीत की जब पीजे सैटेलाइट हॉस्पिटल दिया, हमने कहा मदर चाइल्ड हॉस्पिटल चाहिए हमें। उन्होंने कहा ठीक है, आपने फंसा दिया मेरे को कार्यक्रम में बुला करके, हमने पीजे सैटेलाइट ले लिया, इसमें सब कुछ होगा। हमने कहा ये 4-5 साल में बढ़ेगा, थोड़ा और दे दो, 100 बेड का एक हॉस्पिटल, आप सेंटर में हेल्थ मिनिस्टर है तो आपको क्या बोलेंगे, 2 मिनट में हो जाएगा। उन्होंने दिल्ली फोन किया कि सेक्रेटरी साहब ऐसे ऐसे थोड़ा अपने मित्र है जहाँ कुछ चीजें मांग रहे हैं, क्या NCH के पैसे हैं? उनका सर आप 2 मिनट आप बोलो, करना क्या है आप बोलो। और लड़ाई ने उस समय हमें 21 करोड़ रुपया मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का 100 बेड का हॉस्पिटल पूना हॉस्पिटल के अंदर, आने वाले 3 साल के अंदर अंदर हम पीजे तैयार करके देंगे, आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हम मदर चाइल्ड हॉस्पिटल तैयार करके देंगे। और आने वाले समय में हम लोग जो ट्रॉमा सेंटर रहता है, जब आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, सिर में चोट लग जाती है, तो उस समय उनका भी उसको बचाया जा सकता, उसको ट्रॉमा सेंटर चाहिए, उसके लिए स्पेशल डॉक्टर चाहिए, स्पेशल मशीनरी चाहिए, जो चंडीगढ़ के फ्रंट पे खुला हुआ। हमने नड्डा जी से बातचीत की, उन्होंने कहा ठीक है 12 बेड का हॉस्पिटल आप ट्रॉमा सेंटर के नाम से ज्यादा दे दो, जितना पैसा आपको चाहिए होगा 15-16 करोड़ रुपए हम लोग दे देंगे। ऊना जिला के अंदर और विशेष रूप से ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पेयजल योजनाएं, सिंचाई योजना, इन सब चीजों के ऊपर हम लोगों ने खाका तैयार किया है। अभी अभी डॉक्टर साहब मेरे को बोल रहे थे, हमारा बबौर साहब का इन्होंने 2 दिन पहले न्यूज पड़ी होगी, बबौर साहब स्कीम 1977 में शुरू हुई थी शांता कुमार जी के टाइम पर, सेकंड फेज बबौर साहब शुरू हुआ था आदरणीय धूमल जी के टाइम पर। हमने उसकी रिमॉडलिंग और स्ट्रेंथनिंग के लिए अभी नया एस्टिमेट बनाया, लगभग 56 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना है। 3600 हेक्टेयर जमीन बनगढ़ टोली, मैनपुर, जखेड़ा, बेला, बढ़ेहर, बढ़ाड़ा, चलाड़ा, इन सब गांवों में होते हुए उसकी सिंचाई योजना होगी और कंप्यूटर स्कीम बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे बसोली तक लेके आओ, मैंने आपसे पहले ही बातचीत कर ली थी उनसे, लेकिन उन्होंने कुछ दिक्कत महसूस की है, होगा कोई दिक्कत, कोई अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो मेरी तो कोशिश रहेगी कि अलग अलग एरिए के लिए अलग अलग स्कीमें बने। तो 56 करोड़ की हिमाचल प्रदेश की आज तक की सबसे बड़ी सिंचाई की स्कीम अगर आने वाले टाइम में लगेगी थी तो आदरणीय जयराम जी के सहयोग से हमारे बहुत सारे स्कीम का 24 मई को जब जयराम जी आए थे, हमने 30 करोड़ रुपया एडवांस में उनसे घोषणा करवाई थी, अभी 56 करोड़ उसका एस्टिमेट बढ़ गया। तो इस तरह जो बड़े बड़े स्कूल है आपने देखा होगा अखबारों में, जयराम जी ने बोला कि मैं अटल आदर्श विद्यालय जिसके अंदर हॉस्टल भी होगा वो स्कूल बनाएंगे हम विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिसके ऊपर लगभग 50 करोड़ रुपया लगेगा। मैं देख रहा हूँ इस एरिए में थोड़ा सा उनका विधानसभा के सेंटर में आ जाए, किसी एक एरिए में 100 करोड़ जमीन हमें मिल जाए तो उस स्कूल का जो टीचर्स होंगे वो उन्हीं स्कूलों के लिए होंगे, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय अलग से टीचर का स्टाफ होगा, अलग से प्रिंसिपल का स्टाफ होगा, अलग से उनके हॉस्टल्स होंगे, उनके ज्यादा ट्रांसफर का भी मामला नहीं रहेगा, उन्हीं स्कूलों में जाना होगा अगर जाएंगे, अगर इच्छा होगी तो। ऐसे बड़े यानी जिसको हम कह सकते हैं कि आवासीय विद्यालय हॉस्टल बढ़ा करके हिमाचल की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जयराम जी की गवर्नमेंट चल रही है और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों के ऊपर ऐसे स्कूल हम बढ़ा करके देंगे जिससे हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकें। और हमारे ऊना जिला के लिए एक स्लो स्थान के ऊपर आदरणीय मोदी जी ने या पीछे बिलासपुर में वो आए थे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का उद्घाटन करने शिलान्यास करने आए थे, उस समय उन्होंने ऊना के लिए एक तोहफा दिया था, जब ऊना में नहीं आए तो किसी को पता भी नहीं लगा, 400 करोड़ पैसे स्लो में IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जो हमारे लड़के आज बंगलौर में पढ़ने जाते हैं, लड़कियां आज हमारी अहमदाबाद पढ़ने जाती हैं, उनके लिए यहाँ पर ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज से भी बड़ा इंस्टीट्यूशन हम लोग लेकर के आए हैं जो लगभग 400 करोड़ पैसे बनकर के तैयार होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT का, वो संस्थान भी हमारे जिला के अंदर बनेगा। ऐसे अनेकों बड़े बड़े संस्थान बना करके शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल योजनाएं, सिंचाई योजनाएं, सड़कें, इन सब कामों के ऊपर हम लोग DPRs बना करके लगे हुए हैं। और आपके गाँव के अंदर भी, स्कूलों के अंदर भी जो भी काम होगा, टीचर महोदय जहाँ बैठे हैं आप लोग बताएं, कोई बिल्डिंग काम है, कोई बाथरूम नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है, कोई प्रिंसिपल का कमरा नहीं है, कोई SP का कमरा नहीं है, कोई CHT के लिए कमरा नहीं है, आप लोग एस्टिमेट बढ़ाओ, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब गवर्नमेंट पैसा ला करके देगी नरेंद्र मोदी से जितने उतना पैसा आप ही ना मरने वाले टाइम में और लेकर के आएंगे, इसलिए अपने एरिए का विकास हो जाए जो हमारा सौभाग्य है,
कि जैसे धूमल जी आदि शांता कुमार जी छोटे परिवारों से निकल करके मुख्यमंत्री बने थे, हमारी जयराम जी भी हमारी तरह से गलियों पे सोते हुए आगे बढ़े हैं। वो बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है, आपने टीवी के ऊपर देखा होगा जिस दिन जयराम ठाकुर जी वोट ले रहे थे उस दिन पंजाब के सूबे दो फोटो लगाई, एक जयराम ठाकुर जी की लगाई वोट लेते हुए, एक उनकी भाभी और भाई की खेतों में काम करते हुए लगाई। उन्होंने कहा कि आज भी दुनिया के अंदर ऐसे परिवार और लोग हैं जिनका छोटा भाई मुख्यमंत्री की वोट ले रहा है लेकिन बड़ा भाई और भाभी और माता जी अपने घर में बैठे। ठीक है, उसका काम है खेतों का काम, हमारा है स्टेट चलाना, उसका काम है। जब उनसे पूछा उन्होंने कहा भैया हमने तो खेत में जोतना है, क्योंकि जहां पर दो नंबर के लोग बहुत कम बनते हैं, एक भाई आजकल तो पैसे बढ़ गए तो धरती पैर भी लड़ता बनते नंबरदार सुबह बढ़ते फिर फटा लगा के सरकार देखा मेरे पंजाब की।